हे गाइस, आप लोग इस सेल के अंदर एक बढ़िया सा कार्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन परचेस कर लेते हो, बट प्राइस बहुत ही कम है। 15,000 के अंदर एक बढ़िया सा कार्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन चाहिए तो मेरा ये वीडियो को आखिर तक देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टॉप 5 बेस्ट कार्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं, जो आप लोग 15,000 के आसपास परचेस कर पाओगे। और ये सारे स्मार्टफोनों में कार्ड डिस्प्ले के साथ साथ पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, टॉप नॉइज लेवल का कैमरा दिया गया है, सोनी सेंसर OIS के साथ, जिससे आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, प्रीमियम डिजाइन के साथ टॉप नॉइज लेवल का यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, और टागड़ा दिया गया है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है लाभाब्लेच X5G। 15,000 के अंदर कार्ड डिस्प्ले के साथ आने वाला एक बढ़िया सा स्मार्टफोन जो है, तो आप लोग डेफिनेटली लाभाब्लेच X5G की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस 3D का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 120 और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस के बाद MediaTek की तरफ से Dimensity 6300 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 420,000 के ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल गया था। 13 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X RAM, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की जो स्मार्टफोन के पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 64 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है सोनी सेंसर के साथ, 2 MP का मैक्रो और 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 33W फास्ट चार्जिंग। तो स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की तो 4GB रैम 128GB वेरिएंट 15,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 4 पे आता है लाभाब्लेच कार्ड 5G। 20,000 के अंदर इंडियन मेड की तरफ से एक लेटेस्ट कार्ड डिस्प्ले के साथ आने वाला टॉप नॉइज लेवल का स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस 3D का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश को, 800 nitpick brightness, HDR10 प्लस का सपोर्ट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की तो MediaTek की तरफ से Dimensity 7050 का 5G चिपसेट मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 580,000 के ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल के आता है। 8 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR5 RAM, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छा देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का कैमरा का बात की तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 64 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो और 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 33W चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। 2 साल का OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। स्मार्टफोन में TDO स्पीकर आर ब्लास्टर का सपोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन का प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB वेरिएंट डिस्काउंट लगे 15,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। नंबर 3 पे आता है Motorola G85 5G। 17,000 के अंदर Motorola की तरफ से कार्ड डिस्प्ले के साथ आने वाला बढ़िया सा स्मार्टफोन जैसे, तो आप लोग डेफिनेटली Motorola G85 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस 3D का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश को। Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन 1600 nitpick brightness दिया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की जो Qualcomm की तरफ से Snapdragon 6S Gen 3 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 450,000 के ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल कर आता है। LPDDR4X RAM, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है 12 5G का सपोर्ट के साथ। ये स्मार्टफोन में मिड रेंज लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की जो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है सोनी LYD600 सेंसर के साथ, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 33W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा। हेलो VIP बेस्ड है। स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमॉस की तरफ से TDO स्पीकर दिया गया है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम देखने को मिलता है। प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB वेरिएंट डिस्काउंट लगे 16,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 पे आता है Infinix Note 40 Pro। 20,000 के अंदर Infinix की तरफ से वायरलेस चार्जिंग के साथ आने वाला एक बढ़िया सा कार्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली Infinix Note 40 Pro की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.78 इंच का फुल HD प्लस 3D का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश को, 1300 nitpick brightness, HDR10 प्लस सपोर्ट,
2160Hz का PW डिमिंग मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और परफॉर्मेंस का बात किया है तो MediaTek की तरफ से डायमंड सीरीज 7020 का 5G चिपसेट मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 470,000 के ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल कर आता है। LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है। ये स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा का बात की तो स्मार्टफोन का पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है OIS के साथ, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 2K वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 45W फास्ट चार्जिंग को। 20W का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। 10W का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जिंग के लिए एक अलग से डेडिकेटेड चिप मिल जाता है। और स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा, XOS 14 पे बेस्ड होगा। स्मार्टफोन में JBL की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक जीने में भी बड़ी बहुत ही प्रीमियम देखने को मिलता है। और प्राइस के बाद के जो 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट डिस्काउंट लगा के 16,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। नंबर 1 पे आता है Realme P1 Pro। 20,000 के अंदर कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली Realme P1 Pro की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.7 इंच का फुल HD प्लस 3D का OLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो की सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 2000 nitpick brightness HDR 10 प्लस का सपोर्ट दिया गया है। 2160Hz का PW डिमिंग मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले बढ़िया देखने को मिल जाता है। और परफॉर्मेंस का बात की जो स्नैपड्रैगन की तरफ से 6 Gen 1 का चिपसेट मिल जाता है, जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बेस्ड है। 9 5G का सपोर्ट दिया गया है। 6 लाख का ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल कर आता है। LPDDR4X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और 3D VC कूलिंग चेंबर दिया गया है। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात किया जो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है सोनी LYT 600 सेंसर के साथ, और OIS का सपोर्ट दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा हाई और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 45W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा, Realme UI 5.0 पे बेस्ट है। IP65 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देने को मिल जाता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। और स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन में ब्लू बॉडी बहुत ही प्रीमियम देखने को मिल जाता है। और प्राइस का बात किया तो 8GB रैम 128GB डिस्काउंट लगा के 16,000 के अंदर देने को मिल जाएगा।